अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़रनक सिधवा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। आज हम आपको एक बहुत ही अनयूजुअल सा केक बनाना सिखाएंगे, जिसमें हम पिसे हुए बादाम डालेंगे। डेट आमंड केक है, यानी कि खजूर और क्रैनबेरीज डालेंगे। क्रैनबेरीज नहीं हो, किशमिश आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें एज सच मैदा कुछ भी नहीं है, लेकिन चावल का आटा है। और आप इसको बनाएंगे जब ये अच्छी तरह, चार अदद जो मेरे पास अंडे की सफ़ेदियाँ हैं वो बहुत अच्छी बीट हो जाएंगी, उसके बाद हम पूरा प्रोसेस करेंगे। और नेक्स्ट रेसिपी हमारी फ़िश के छोटे पैटीज़ या कटलेट्स कह दें या बाइट्स कह दें, व्हाटएवर फ़िश है यहाँ मेरे पास, जिसको मैं रख देती हूँ एक पैन में और उसको मैं बॉयल कर देती हूँ। कुछ भी नहीं डाला है, ठीक है, जस्ट बॉयल इट अप। और आप उसको सिर्फ पानी में बॉईल कर दीजिएगा, बिकॉज़ दूसरे अज्जा नमक वगैरह फिर हम सॉसेस वगैरह उसमें डालेंगे, इसके साथ एक डिप बनाएंगे, उसको सर्व करेंगे। सो मैं सिर्फ पानी डाल के इसको बॉईल करने, या स्टीम भी कर सकते हैं आप, माइक्रो कर दीजिए, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बिकॉज मछली तो बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। जब तक फिश हो जाएगी तब तक हम केक की तरफ आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा मेयोनीज़ का एक डिप हमें बनाना है, इसको सर्व करेंगे। नॉर्मली हम टाटो सॉस के साथ फ्राई फिश सर्व करते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा जी, अब हम डेट आमंड केक की तरफ आते हैं। चावल का आटा मेरे पास एक चमचा भर के है, ठीक है। चावल नहीं पीसिएगा प्लीज़, चावल का आटा इस तरह मिल जाता है मार्केट में राइस फ्लावर के नाम से, ठीक है। ये है, इसको हम मिक्स करेंगे। एक कप खजूर है बीज निकला हुआ, और यहाँ मेरे पास क्रैनबेरीज हैं एक चौथाई कप। क्रैनबेरीज इस तरह के होते हैं, क्रैन रेजिन्स या क्रैनबेरीज के नाम से आपको मिल जाते हैं। अगर नहीं इस्तेमाल करने हैं, आपको नहीं मिलते हैं, तो आप किशमिश डाल दीजिए, काली वाली, पीली वाली, वॉट एवर, ठीक है। अच्छा, फिर बादाम किस तरह जाएंगे। बादाम सवा कप बादाम लीजिएगा, ठीक है, उसको गर्म पानी में डाल दीजिएगा, फिर उसका छिलका निकाल दीजिएगा, इसको कपड़े पे सुखाइएगा, फिर पीसिएगा। इसलिए मैं पीस के लेके आई हूँ कि टाइम बच जाए। चार अदद सफ़ेदियाँ हैं, अंडे सेपरेट कर दीजिएगा, जर्दियाँ रख दीजिएगा। ये है पिसी हुई चीनी आधा कप, इसमें लेमन जूस जाएगा, और इसमें सिर्फ एक चमचा कोको पाउडर जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये आइसिंग शुगर है, उसके साथ हम थोड़ा सा लेमन जूस डाल के एक अच्छा सा लेमनी ग्लेज बनाएंगे, जो केक निकलेगा अवन में से थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर उसके ऊपर ये ग्लेज डालेंगे। और ये आप एंजॉय करिएगा, बनाइएगा ज़रूर रेसिपीज़, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ जो मेरे पास है खजूर और क्रैनबेरीज, उनको मैं मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि मुझे उसके साथ मिक्स करना है चावल का आटा, ठीक है। इसमें हम इसको टॉस कर देंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरे पास यहाँ अंडे की चार अदद सफ़ेदियाँ हैं, उनको लेंगे और अच्छी तरह उनको हम खूब अच्छा सा बीट करेंगे। फिर इसमें हम थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे, पिसी हुई चीनी, कोको पाउडर, पिसे हुए बादाम, और ये जो हमने चावल का आटा मिक्स किया है विथ क्रैनबेरीज और खजूर, वो बीट करते वक्त याद रखिएगा बीटर और बोल साफ होना चाहिए। साफ भी होना चाहिए, गीला और चिकना भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और देखें इस तरह ये हो गई हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सफ़ेदियों को इतना बीट करते हैं, इतना बीट करते हैं, कुछ भी बनाते हैं डिज़र्ट तब, कि वो उसका शाइन निकल जाता है। अब देखें ये अभी भी शाइनी है, ड्राई नहीं करने हैं हमने, हमने इनको ऐसे ही शाइनी रखने हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम चंद कतरे इसमें जस्ट अबाउट अ ड्रॉप ऑफ टू लेमन जूस का डालेंगे, फिर हम इसमें चीनी डालेंगे, फिर दोबारा इसको हम बीट करेंगे। बीट करेंगे तो ऑब्वियसली उस वक्त फिर थोड़ा सा सफ़ेदियाँ बैठ जाएंगी, तो परेशान नहीं होइएगा, ओके। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये सारी चीज़ें जो यहाँ है, लेकिन आई एम जस्ट वेटिंग कि अगर ऐसे ना हो कि ब्रेक हो, बिकॉज ब्रेक होगी तो मुझे फिर एक ही दफ़ा में उसको कर लेना पड़ेगा। सो आई विल वेट
we'll come back and then we'll do the whole cake, ठीक है? Fish तो बहुत ही पतले-पतले fingers और ये पतले-पतली fillet है. कोई सी भी मछली ले लीजिएगा, cod ले लें. आजकल इतनी अच्छी मछली आ रही है, cod है, red snapper है, जो भी आपको whatever you want to use. और फिर आप बस उसको हल्का सा boil कर दीजिए. Actually हल्का सा नहीं, fully कच्चा नहीं रखिएगा, ठीक है? फ्लेक कर देंगे हम इसको, ऐसे करके मैशअप कर देंगे, या सारी चीज़ें मैं फूड प्रोसेसर में डाल दूंगी और उसको हम विज कर देंगे. अंडे मैंने दो रखे हैं फिश पैटीज़ में, पहले हम एक डालेंगे, बहुत ज़्यादा नरम नहीं हो जाए, ठीक है? और ब्रेड क्रम्स आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. देखिए इसके लिए मैं आज यहाँ पैनको ब्रेड क्रम्स लेके आई हूँ, जो भी आपको मिले कोई मसला नहीं है, नो हार्ड एंड फास्ट रूल. और इसको फिर हम बहुत ही छोटा सा एक डिप बनाएंगे मेयोनीज़ के साथ और उसको हम इसके साथ सर्व करेंगे. ऑफ़ कोर्स इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा डिप का, जब हम इसमें डालेंगे हॉट सॉस डिपिट का. डिपिट के सॉसेज मैं यूज़ करती आ रही हूँ, नॉट जस्ट ऑन द साइड, लेकिन मैं हमेशा मैरिनेशन में पकाते वक्त भी सॉसेज अंदर डालती हूँ. बहुत अच्छे सॉसेज हैं, आपको यहाँ वाइड रेंज नज़र आ रही है. ऑयस्टर सॉस इन्होंने अभी नया इंट्रोड्यूस किया था, और ये मैंगो हाबानेरो सॉस भी, तीखा भी है, इसमें मैंगो का भी टेस्ट है. आप भी घर लाइएगा और ज़रूर इसको इस्तेमाल करिएगा. इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, MSG वगैरह नहीं है. तो डिपिट के सॉसेस ज़रूर घर में अपनी पैंट्रीज में रखिए, किचन में रखिए और इसको इस्तेमाल करिए. मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ पानी में आप इसको, या आप इसको स्टीम में भी कर सकते हैं. स्टीमर ले लीजिए, नीचे पानी, ऊपर रख दीजिएगा ढक्कन स्टीमर का, उसके वो जो होल्स वाला साइड होता है उस पर थोड़ा सा तेल लगा दीजिएगा कि मछली चिपके ना, और बस आप उसको फिर कवर करके कर दें तो अच्छी सी स्टीम्ड हो जाएगी फ़िश. मैं इसने मुझे इसको सिर्फ बॉयल करना है, इसलिए कि मुझे इसको फिर फूड प्रोसेसर में डाल के विजअप कर देना है दूसरे सारे अज्जा के साथ, ठीक है? अच्छा, हम ऐसे करते हैं, वी विल गो ऑन अ ब्रेक, इसलिए कि अगर मैं अभी डालूंगी फिर बीच में ब्रेक आ जाएगी तो वो फिर स्टॉप हो जाएगा सिलसिला. अच्छा, इसमें कोई बेकिंग पाउडर नहीं है, इसमें कोई मक्खन तेल नहीं है, आपने देखा इसमें कोई मैदा नहीं है. सो अगर आप ऐसा एक केक बनाना चाहते हैं ज़रूर ट्राई करिएगा. आई वुडंट कॉल इट अ ग्लूटेन फ्री केक, इसलिए कि इसमें चावल का आटा तो थोड़ा सा है, सिर्फ एक चमचा है, लेकिन वो है, ठीक है? सो ये हम ऐसे करते हैं कि हम ब्रेक ले लेते हैं. हम ब्रेक से वापस आएंगे तो एक दफ़ा फिर इसको बीट करेंगे और सारे अज्जा एक दफ़ा डाल के अवन में रख देंगे बेक होने के लिए. तब तक मछली भी हमारी हो जाएगी तो उसको बस छान के रख देंगे. सो आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला TV. देखिए अच्छी तरह बीट हो गई है ना, चार सफ़ेदियाँ, ठीक है? अब हम चंद कतरे सिर्फ डालेंगे इसमें लेमन जूस के, ठीक है? दूसरा लेमन हम बचा के रखेंगे ग्लेज के लिए, ऊपर के लिए. अब हम इसमें चीनी डालेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, एकदम से नहीं डाल देंगे. थोड़ी डालिए और बीट करिए. ये कलर देखिए, सफ़ेदियों का रंग देखिए, ठीक है? अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इसमें आप डालेंगे एक चमचा सिर्फ कोको पाउडर का, फिर आप इसमें डालेंगे सवा कप पिसे हुए बादाम, ठीक है? सवा कप बादाम लीजिएगा, उसको आप गर्म पानी में डाल दीजिएगा, छिलका उतार दीजिएगा, कपड़े पे सुखा दीजिएगा, उसके बाद पीसिएगा, तो इस तरह पाउडर होगा. अच्छा, ये हो गया. अब मैं इसको मिक्स कर देना चाहती हूँ यूजिंग अ स्पून. अच्छा, ये क्या है, क्रैनबेरीज हैं एक चौथाई कप, और एक कप भर के खजूर हैं, ठीक है? और मैंने इसमें राइस फ्लावर डाला है, ये चावल का आटा हमने इसमें मिक्स किया था. आई थिंक आई जस्ट पुट इट इन अ बिगर बोल ताकि मेरे लिए आराम से ना मिक्स हो जाइए. आराम से मिक्स हो गया, फिर अंदर ये जाएगा, ठीक है? कोट कर दीजिएगा चावल का आटा क्रैनबेरीज के साथ, और जब आप टिन में बनाएं तो ग्रीस करके टिन को, उसको भी कोट करिएगा चावल के आटे के साथ. इसको ज़रा मिक्स कर लेते हैं. अब ये चला जाएगा क्रैनबेरीज, बस सब कुछ डन. और
यहाँ डिश जो है हमारी, उसको हम ज़रा ग्रीस कर लेते हैं, टिन में बनाएं, डिश में बनाएं, किसी भी चीज़ में, ठीक है। और एक दफ़ा मैं बीटर चला लेती हूँ। हम इसको निकालते हैं, लेकिन एक स्पैचुला यूज़ करेंगे पहले, ताकि मैं आराम से चीज़ों को मिक्स कर लूं। साइड से लीजिएगा और इस तरह मिक्स कर दीजिएगा। बहुत लाइट केक बनता है, बहुत डिफरेंट केक बनता है। नो बटर, नो ऑयल, नो मैदा, सिर्फ थोड़ा सा चावल का आटा। बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से मैंने आपको केक्स बनाना सिखाए हैं, प्लीज़ ये वाला भी ट्राई करिएगा। अब इसको उठा के ना पूरा इसमें डाल दीजिए, फैला दीजिए और बेक करने रख दीजिए। बहुत बड़ा टिन या डिश नहीं लीजिएगा, ठीक है। इसको स्प्रेड कर दीजिए। ठीक है, समझ आ गया। प्लीज़ ट्राई करिएगा इस केक को भी। अगर इसमें आपको और कोई मज़ीद मज़ेदार कोई चीज़ डालनी है, कोई क्रंच डालना है, तो आप इसमें अखरोट भी डाल सकते हैं। शमसा हैं इस्लामाबाद से, उनसे करते हैं बात। हेलो, ओ फैसलाबाद से, सॉरी जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आपके सामने। जी फरमाइए। जी आपका शो बहुत शौक से हम देखते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। मैम बहुत अच्छी सी रेसिपी आप बताती हैं, थैंक यू जी। होती हैं, समझ में आ जाती हैं जी। बहुत शुक्रिया। और कुछ? हाँ जी, फर्स्ट टाइम मेरी कॉल मिली आपके शो में। थैंक यू, आपने कॉल की, वेलकम टू आवर शो जी। मैम आपके कोई क्वेश्चन भी है? नहीं जी, आज हमने कोई सवाल नहीं रखा। चलिए ठीक है मैम, बहुत थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ये आपने केक उठा के इसमें रख दिया बेक होने के लिए, ठीक है, ये हो जाएगा। बस दैट्स इट, सिंपल एज दैट। ट्राई करिएगा आप भी। मैंने एक टेबलस्पून चावल का आटा लिया था, एक कप मैंने खजूर लिए थे, बीज निकाल दीजिएगा, चॉप करना चाहें चॉप कर दीजिएगा। फिर हमने क्या किया, हमने एक चौथाई कप क्रैनबेरीज ले लिए, ये ड्राई फॉर्म में मिलते हैं, नहीं हो तो किशमिश डाल दीजिएगा। और ये चावल का आटा और ये किशमिश या क्रैनबेरीज और ये खजूर मिक्स करके एक बोल में रख दीजिएगा। फिर आप चार अंडे लीजिएगा, उनको सेपरेट कर दीजिएगा, ठीक है। सफ़ेदियों को खूब अच्छी तरह बीट करिएगा, जो बीटर हो, बोल हो आपका, वो ना चिकना हो, ना गीला हो, ना गंदा हो बिल्कुल भी। और आप ये भी ख्याल रखिएगा कि जर्दी बिल्कुल उसमें ना आए। जब आप अंडे सेपरेट करें, अगर आप नॉविस हैं, अभी शुरू किया है आपने बेकिंग कुकिंग और आप समझ रहे हैं ये टूट जाएगी, अंदर मिक्स हो जाएगी, तो एग सेपरेटर्स भी आते हैं, ठीक है। एक बोल पे एग सेपरेटर रखिएगा, फिर अंदर अंडा तोड़ेंगे आप तो नीचे से पूरी सफ़ेदी निकल आएगी, जर्दी उसमें रह जाएगी, वरना हम तो हाथ से कर लेते हैं, ठीक है। और चार अदद अंडे की सफ़ेदियों को खूब अच्छी तरह 10 मिनट बीट करिएगा। उसके बाद उसमें एक दो कतरे सिर्फ लेमन का जूस डालिएगा, आधा कप पिसी हुई चीनी डालिएगा, सवा कप यानी 1 1/4 कप्स पिसे हुए बादाम डालिएगा, और कोको पाउडर 1 चम्मच था, फिर वो खजूर और क्रैनबेरीज राइस फ्लावर के साथ जो मिक्स किया था वो गया बस, और आपने इसको बेक करने रख दिया, ठीक है। बेक हो जाएगा, निकलेगा तो यहाँ मेरे पास आइसिंग शुगर है जिसको मैं छानूंगी, उसमें हम चंद कतरे डालेंगे लेमन जूस के, तो ये लेमन ग्लेज बन जाएगा और ऊपर से वो हम डाल देंगे, बस दैट्स इट। ट्राई करिएगा, बनाइएगा, ग्लेज के बगैर भी अच्छा लगता है, तो वैसे भी सर्व कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया, क्रैनबेरीज ना हो किशमिश डाल दीजिए, किशमिश नहीं डालनी है आपको, अखरोट डालने हैं अखरोट डाल दीजिए, बहुत अच्छा बनता है, ट्राई करिएगा। नो मक्खन, नो ऑयल, नो मैदा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम फिश, तो मैंने बॉयल करके फ्लेक कर दी है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हम यूज़ करेंगे इन आर फिश पैटीज़, और फिर उसको हम तल देंगे, दैट्स इट, वेरी सिंपल। डिप इट के सॉस जाएगा, और जब डिप बनाएंगे उसमें हम हॉट सॉस डालेंगे, और जो पैटी है उसमें हम मैंगो हाबानेरो सॉस डालेंगे। आप कोई सा भी सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, वी गॉट अ वाइड रेंज। ऑयस्टर सॉस भी जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा इन योर फिश पैटीज़, क्यों नहीं, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। शेखुपुरा से मिसेस अजीम है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो,
हेलो, ओहो लाइन ड्रॉप हो गई, सो सॉरी जी. तो मैंने डेट एंड आमंड केक का कर दिया है रिकैप. हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से आएंगे, फूड प्रोसेसर लगाएंगे और ये सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे. बहुत सारा टाइम बाकी होगा, फिर आप बात करें, कुछ मैसेज करें, कोई क्वेश्चंस पूछना चाहें, कॉल करिए, नंबर्स चल रहे हैं, या फिर पेज पे लिखिए. तो मैं पेज पे ज़रा पढ़ना शुरू कर दूँगी, ठीक है? कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज़. जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज़ और मैं फ़िश पैटीज़ अब बनाना शुरू करूंगी. आधा किलो मछली मैंने ली थी, ठीक है, उसको सिर्फ पानी में मैंने उबाल दिया था और मैंने उसको फ्लेक कर दिया, यानी कांटे से इस तरह मोटा मोटा फ्लेक कर दिया है. सारी चीज़ें फूड प्रोसेसर में डाल देनी है ताकि अच्छा सा सब कुछ स्मूथ सा हो जाए, ठीक है? पानी प्लीज़ निथार दीजिएगा, पानी इसमें नहीं आए साथ, ठीक है? ये मछली चली गई, कोई सी भी मछली ले लीजिएगा, कोई कांटे वाली मछली भी बॉईल करनी हो वो कर लीजिएगा, फिर आपको फ्लेक करना पड़ेगा, कांटा चमड़ा बस निकालना होगा. ओके, अब इसमें हम डालेंगे नमक, फिर इसमें अदरक है चॉप की हुई, आप टुकड़ा डाल दीजिए उसमें, साथ साथ मिक्स हो जाएगा. लहसुन है, ये दो तीन लहसुन के जवे ले लीजिएगा, वो डाल दीजिएगा. फिर ये है ड्राई पार्सली, देखें ये है फ्रेश ना, ये देखें फ्रेश पार्सली है ना, ये पार्सली यानी इस तरह की, ठीक है, ये ड्राई फॉर्म में है. ओके, तो ये ड्राई पार्सली चली गई, अब थोड़ी सी फ्रेश पार्सली भी हम डालेंगे. शेखुपुरा से हैं मिसेस अजीम, उनसे हम बात करते हैं अब. जी हेलो, क्या हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक, आप सुनाए आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ. आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए वरना कहीं लाइन कट ना जाए, ठीक है? हेलो जी, वो आपसे बात की थी मैंने, पहले भी कॉल की थी तो पूछा था आपसे चिकन स्टीम का, आपने बताया नहीं मुझे. ओ, अच्छा ठीक है, बताएंगे स्टीम चिकन बताएंगे, ठीक है? थैंक यू जी, कॉल करने का शुक्रिया, रिमाइंड करने का शुक्रिया, मैं करूँगी, अभी आपको बताऊँगी. अच्छा, ये मिक्स्ड हर्ब्स हैं जो इटालियन हर्ब्स मिलते हैं या ड्राई मिक्स्ड हर्ब्स मिलते हैं, कुछ भी हो, ओरिगानो, पार्सली, बेजल, थाइम, सब मिक्स्ड होता है. ये चला गया, ठीक है. इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक से दो हरे प्याज, ये तो एक है, पूरा नहीं है ये. फिर हम इसमें डालेंगे पैप्रिका, ठीक है, पैप्रिका पाउडर है ये, पैप्रिका चला गया, लाल लगता है इतना वो तेज़ नहीं होता है. अब इसमें हम लेमन जूस डालेंगे, और हम इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिर्चें और मैंगो हाबनेरो सॉस का डिपिट का, ये कुटी हुई काली मिर्चें और सॉस, शेक करिएगा बॉटल को, फिर डालिएगा. सब कुछ हो गया, मैं चेक कर लूँ. मछली फिले फिश को आपने फ्लेक कर दिया, हरा प्याज, लहसुन अदरक, इटालियन हर्ब्स, पैप्रिका पाउडर, ड्राई पार्सली, नमक काली मिर्चें, ये हबनेरो सॉस मैंगो फ्लेवर वाला डिपिट का, उसके अलावा मुझे इसमें ब्रेड क्रम्स डालने हैं, या आप डबल रोटी डाल दीजिए, बासी डबल रोटी का काम हो जाएगा उससे, और एक अदद अंडा, दैट्स इट, ठीक है? ज़्यादा कुछ भी इस स्टेज पर नहीं, अंडे दो नहीं एकदम से डाल दीजिएगा. फिर इसको आप मिक्स करिएगा, और एक दफ़ा खोल के एक स्पैचुला से, स्टील का चम्मच नहीं इस्तेमाल करिएगा, ऐसे इसको ना अंदर से ये ऐसे करिएगा ताकि फिर सारा कुछ अंदर मिक्स हो जाए अच्छी तरह. ओके, बस हो गया. अच्छा, अब आपको अगर लगे ज़रूरत तो आप थोड़े से और क्रम्स डालिएगा, वरना इट्स फाइन. इसी के आप छोटे पैटी बना के आप इसको बर्गर में बच्चों को दें, या आप इसको बड़े जो हॉट डॉग के बंस होते हैं उसमें लंबे कबाब बना के रख दीजिए, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. ये एपेटाइज़र के तौर पे छोटे छोटे बना के रख दीजिए, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं. फ़िश के मोल्ड्स आते हैं उसमें आप प्रेस करके उसको आप ओवन में बेक कर सकते हैं, तो मछली के कबाब मछली के शेप पे बन जाएंगे. बहुत सारे आइडियाज़ मुझे आते रहते हैं जैसे जैसे मैं कुकिंग करती हूँ या शो करती हूँ आपके साथ, ठीक है?
ये हो गया। अब हम सब चीज़ें हटा लेते हैं यहाँ से ताकि जगह हो जाए। आइसिंग शुगर में बहुत लम्ब्स थे तो हमने ब्रेक में उसको छान के रखा है, बिकॉज छनी हुई होगी तो ही स्मूद आपका आइसिंग होगी। देखें, छान के रखी है, ठीक है। सिर्फ नींबू डालेंगे, जब केक निकलेगा उस पर रख देंगे, बस सिंपल इज दैट। अंडे देखो दो में लाई थी लेकिन एक ही मैंने इस्तेमाल किया है। अच्छा, एक और चीज़ आप कर सकते हैं, एक अंडा आप अंदर डालिए, दूसरा अंडा आप फेंट लीजिए और फिर ये छोटे पैटीज़ को आप अंडे में डिप करिए, क्रम्स में कोट करिए और फ्राई करिए, आप वो भी कर सकते हैं। मैं सोच रही हूँ मैं ऐसे कर लूँ आज, क्या ख्याल है? अच्छा, ये जो यहाँ जो अज्जा है ये हम डिप का डिप भी साथ साथ बना लेते हैं, क्या ख्याल है? अच्छा, मेयोनीज है ये, ओके। फिर हम लेंगे नींबू का छिलका, लेमन, और ये जेस्टर है मेरा, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप उस पर कर लीजिएगा, बॉक्स ग्रेटर से कर लीजिएगा, टर्न करते जाइएगा ताकि येलो पार्ट ही आए, वाइट पार्ट नहीं आए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है जी, ये हो गया। अब और क्या था, थोड़ा सा इसमें हम लेमन जूस भी डालेंगे। ये तो हो गया है यूज़, तो हम इसको काट लेते हैं। केक राइज हो रहा है मुझे ओवन में नज़र आ रहा है। अशरफ हैं कराची से जी, हेलो। हेलो जी। जी कैसी हैं मैडम, आप खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आप सुनाइए। अच्छा, हमें आपसे बहुत गाइडलाइन मिलती है। एक्चुअली मैं छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। अच्छा। तो मुझे थोड़े से टाइम में, जब आपको प्रोग्राम में टाइम मिले, तो एक तो ये मुझे बताइएगा कि मिनिमम अमाउंट से कौन सा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, फूड नहीं। नंबर दो, इसकी टैक्स वगैरह की क्या रिक्वायरमेंट है वो भी बता दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी। बेस्ट क्या, टैक्स वगैरह जो होते हैं ना, ताकि हम जैसे हम कोई शॉप वगैरह स्टार्ट करते हैं तो हमें टैक्स वगैरह कैसे पे करना है वो भी मुझे बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा देखें, ये तो टैक्स वगैरह का तो आपको टैक्स कंसल्टेंट को पूछना पड़ेगा, मैं तो आपकी कुकिंग कंसल्टेंट हूँ ना, टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूँ, तो ये सारे फॉर्मेलिटीज़ और ये सारे जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो तो आपको किसी टैक्स वाले को पूछना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा देखें, ऐसे शुरू करिए, अब आपको खाना करना है कि बेकिंग करना है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी करना है स्टार्ट स्मॉल, छोटी कोई चीज़ से शुरू करिएगा। मेन्यू पे 50,000 आइटम्स नहीं रखिएगा, 5 रखिएगा, 10 रखिएगा, छोटा शुरू करिए, स्टार्ट स्मॉल, इन्वेस्ट छोटा करिए, कम करिए, ना चले गॉड फॉरबिड तो फिर वो इतना सारा पैसा आपका डूब ना जाए, ठीक है। और साफ़ सुथरी चीज़ें होनी चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है, टेस्टी होनी चाहिए, हाइजीनिकली बनाई हुई हो, ठीक है। किचन साफ़ सुथरा हो आपका, हो सेटअप जो हो वो ऑर्गेनाइज्ड हो, ऐसा नहीं कि एक चीज़ वहाँ है दूसरी चीज़ वहाँ है, सारी चीज़ें हों जो आपके पास लिस्ट है आपका, जिस जो चीज़ें आप बनाएंगे बेचेंगे उसके अज्जा के लिस्ट होना चाहिए हमेशा साथ। सारी रेसिपीज़ आप ट्राइड एंड टेस्टेड किसी को खिलाएंगे, ऐसे नहीं कि आप उस वक्त एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी दिन हम डिटेल में इस पर भी बात करेंगे, लेकिन प्लीज़ टैक्स वगैरह की जो बात है वो हमसे ना पूछिएगा, वो आप टैक्स कंसल्टेंट को पूछिएगा, थैंक यू। अच्छा, ये है हॉट सॉस डिपिट का, ओके, चंद कतरे इसमें जाएंगे, लेमन जूस, लेमन का छिलका और मेयोनीज है ये, ये इसका एक मज़ेदार सा डिप बनेगा। ठीक है, दिस डिप इज़ रेडी, एंड ऑफ कोर्स यू डोंट नीड एनी मोर सॉसेस, इतने सारे पीछे सॉसेस आपको नज़र आ रहे हैं मेरे सेट पे, डिपिट का कोई सा भी सॉस आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। एनीवेज, दिस इज़ योर डिप एंड दिस इज़ योर पार्सली जो ऊपर जाएगा, और मैं इसको अब निकालती हूँ किसी बोल में, ब्रेक की तरफ भी चलते हैं, छोटे छोटे पैटी फॉर्म करके रेडी करके रखेंगे, फिर हम तल देंगे इनको, ठीक है जी, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। जी बस यहाँ तेल गरम कर रहे हैं और पैटी फॉर्म कर दिए हैं कुछ, अभी और बनाते हैं। अंडे में आपने इसको करना है डिप, ब्रेड क्रम्स में कोट करना है, ठीक है। और फ्राई कर दीजिएगा, इसमें कोई कच्ची चीज़ तो है ही नहीं, बस गोल्डन हो जाए निकाल दीजिएगा, दैट्स इट, सिंपल।
इसलिए मैंने अंदर नहीं डाले थे, दो दो अंडे। आप इसको क्रम्स में कोट करते जाइए और निकालते जाइए। अंडे में आपने डिप किया, पैनको ब्रेड क्रम्स हैं ये, नहीं करने इस्तेमाल, ड्राई वाले कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आपके फ़िश पैटीज़ हो जाएंगे। और जो हमारा डिप है वो भी रेडी है, मैंने निकाल दिया एक छोटे बोल में। और भी आप लीजिए बैटर, इसका बनाते जाइए। इसको क्रोकेट की शक्ल में भी आप बना सकते हैं। बना के रखते जाइए, ठीक है। कोई सा भी सॉस आप डाल सकते हैं इसमें, ऑयस्टर सॉस विल गो वेल, चिली गार्लिक सॉस विल गो वेल, कोई सा भी सॉस आपको अच्छा लगे। एक साइड से हो जाएंगे, फिर इनको हम टर्न कर देंगे। ब्रेड क्रम्स जल ना जाएं, ठीक है, यू जस्ट मेक श्योर। छोटा सा था, इसको हम साथ लगा देते हैं इसके, एंड देन मैं इसको भी टर्न कर दूँ हाथ धो के। केक हमारा ऑलमोस्ट डन है, मैंने देखा था ब्रेक में स्कूअर डाल के। ठीक है, हमने इसको गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा कोई ओवर फ्राई नहीं कर देना है, इसमें कोई चीज़ कच्ची तो है ही नहीं। बस दोनों तरफ से गोल्डन हो जाए, निकाल दीजिएगा, डिप के साथ सर्व कर दीजिएगा। बस इसको फ़िलहाल मैं मिक्स कर दूंगी इन माय डिप कर दूंगी एग में और ब्रेड क्रम्स में और फ्राई कर देंगे। दोनों तरफ से हो जाए तो क्रम्स लगे हों, कोई बैटर हो, बार बार उसको ऊपर नीचे नहीं करते हैं, हिलाते जुलाते नहीं हैं। और शैलो फ्राई करिएगा कम तेल में, यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ ऑयल, डीप फ्राई नहीं करना है कुछ भी। चेक कर लीजिएगा, हो गए हों तो निकाल दीजिएगा। या हो गए हैं परफेक्ट इस तरफ से, जस्ट यहाँ से थोड़े से कर लेने हैं हमने। प्लेटर पे डायरेक्टली नहीं रखते हैं, कोई भी चीज़ फ्राई करें ना तो आप इसको इस तरह तेल निथार जाने दीजिए एक और प्लेट पे, जिस पे पेपर रखा हो आपने, अखबार नहीं हो प्लीज़, इस तरह का किचन पेपर हो। बस ये मैं फ्राई करती जाऊंगी, आप लोग लीजिए रेसिपी रिकैप ब्रेक। और कुछ भी मिस आउट हो गया हो आज की दोनों रेसिपीज़ में से आप नोट कर दीजिएगा, ब्रेक से आएंगे। केक के ऊपर अभी हमें ग्लेज करना है और इसको हमें बस प्लेटर पर रखना है, सो स्टे ट्यून्ड। डेट आमंड केक, अच्छा खजूर स्लाइस्ड एक कप, इसे बादाम एक एक चौथाई कप, राइस फ्लार एक खाने का चम्मच, अंडों की सफेदी चार अदद, लीमू का रस एक खाने का चम्मच, कास्टर शुगर आधा कप, कोको पाउडर एक खाने का चम्मच, रेन बेरीज एक चौथाई कप, लेमन ग्लेज के लिए अज्जा, आइसिंग शुगर एक कप, लीमू का रस दो खाने के चमचे। तरकीब, अंडों की सफेदी में चंद कतरे लीमू का रस डालकर फेंट लें, जब पैक्स बन जाएँ तो उसमें कास्टर शुगर डालकर मजीद कुछ देर फेंटें। अब इसे पिसे बादाम, बाकी बचा लीमू का रस और कोको पाउडर में फोल्ड कर लें, फिर स्लाइस्ड खजूरों और क्रेन बेरीज को राइस फ्लार में टोस्ट करके अंडों और चीनी के मिक्सचर में फोल्ड कर लें। उसके बाद इस मिक्सचर को ग्रीस के हुए टिन में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर अवन में 30 से 35 मिनट बेक करें।
लेमन ग्लेज के लिए आइसिंग शुगर को लीमू के रस में मिक्स कर लें। अब केक को वायर रैक पर ठंडा करें और लेमन ग्लेज शामिल करके सर्व कर दें। फिश पैटीज, अज्जा, फिश फिले फ्लैक्ड आधा किलो, हरी प्याज एक अदद, कुटा लहसुन चार जवे, कद्दू का अदरक एक चाय का चमचा, ब्रेड क्रम्स डेढ़ कप, इटालियन हर्ब आधा चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, खुश्क पार्सली एक चाय का चमचा, नमक मिर्च एक चौथाई चाय का चमचा, मैंगो हैबनेरो सॉस एक खाने का चमचा, अंडे दो अदद, म्यूनीज एक चौथाई कप, लीमू का रस एक खाने का चमचा, हॉट सॉस दो खाने के चमचे, लेमन जेस्ट एक अदद, तेल हसबे ज़रूरत। तरकीब, फ्लैक्ड फिश फिले में तमाम अज्जा डालकर मिक्स कर लें। अब इन्हें पैटीज की शक्ल दें, फिर तेल गर्म करके पैटीज फ्राई करें, आखिर में इन्हें पेपर टॉवल पर खुश्क करके सर्व करें। डेट आमंड केक, अज्जा, खजूर स्लाइस्ड एक कप, पिसे बादाम एक एक चौथाई कप, राइस फ्लार एक खाने का चमचा, अंडों की सफेदी चार अदद, लीमू का रस एक खाने का चमचा, कास्टर शुगर आधा कप, कोको पाउडर एक खाने का चमचा, रेन बेरीज एक चौथाई कप, लेमन ग्लेज के लिए अज्जा, आइसिंग शुगर एक कप, लीमू का रस दो खाने के चमचे। तरकीब, अंडों की सफेदी में चंद कतरे लीमू का रस डालकर फेंट लें, जब पैक्स बन जाएँ तो उसमें कास्टर शुगर डालकर मजीद कुछ देर फेंटें। अब इसे पिसे बादाम, बाकी बचा लीमू का रस और कोको पाउडर में फोल्ड कर लें, फिर स्लाइस्ड खजूरों और क्रेन बेरीज को राइस फ्लार में टोस्ट करके अंडों और चीनी के मिक्सचर में फोल्ड कर लें। उसके बाद इस मिक्सचर को ग्रीस के वटिन में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर अवन में 30 से 35 मिनट बेक करें। लेमन ग्लेज के लिए आइसिंग शुगर को लीमू के रस में मिक्स कर लें। अब केक को वायर रैक पर ठंडा करें और लेमन ग्लेज शामिल करके सर्व कर दें। फिश पैटीज, अज्जा, फिश फिले फ्लैक्ड आधा किलो, हरी प्याज एक अदद, कुटा लहसुन चार जवे, कद्दू का अदरक एक चाय का चमचा, ब्रेड क्रम्स डेढ़ कप, इटालियन हर्ब आधा चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, खुश्क पार्सली एक चाय का चमचा, नमक मिर्च एक चौथाई चाय का चमचा, मैंगो हैबनेरो सॉस एक खाने का चमचा, अंडे दो अदद, म्यूनीज एक चौथाई कप, लीमू का रस एक खाने का चमचा, हॉट सॉस दो खाने के चमचे, लेमन जेस्ट एक अदद, तेल हसबे ज़रूरत। तरकीब, फ्लैक्ड फिश फिले में तमाम अज्जा डालकर मिक्स कर लें। अब इन्हें पैटीज की शक्ल दें, फिर तेल गर्म करके पैटीज फ्राई करें, आखिर में इन्हें पेपर टॉवल पर खुश्क करके सर्व करें। जी वेलकम बैक। देखें, ये है आइसिंग शुगर, ये है लेमन जूस, ये आपने इसके अंदर इस तरह डालना है। ग्लेज बना रहे हैं हम, ठीक है। केक अवन में से बाहर आ चुका है और आपको लगेगा कि ये कम है, इसमें कुछ नहीं डालिएगा, इसलिए कि इसके ऊपर मैं अभी ये है ना लेमन जूस पूरा डाल दीजिए और फिर इसके ऊपर हम इसको स्प्रेड कर देंगे। इफ़ यू वांट टू मेक इट स्लाइटली पतला तो आप थोड़ा सा इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, बहुत थोड़ा सा डालिएगा ताकि मिक्स हो जाए। और फिश को मैंने, फिश के पैटी को मैंने सजा के रख दिया है, मेयोनीज़ एक प्लेटर पे मैंने साइड में, एक पे मैंने ऊपर थोड़ा थोड़ा रख दिया है। किसी भी तरीके से आप उसको सजाइए, पार्सली के साथ फिर मैंने उसको सजा दिया है। ठीक है, ये हो गया, ये ग्लेज रेडी है। केक हमारा जो है डेट और पिसे हुए बादामों वाला केक, वो रेडी हो जब तो आप इसके ऊपर ये ग्लेज डाल दीजिएगा। ठीक है, ये पूरा अंदर जज्ब हो जाएगा इसलिए कि अभी ये बहुत गरम गरम है। स्प्रेड करने की कोशिश करिएगा। अच्छा, ये हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि रिदा आज क्या बना रही हैं। कोकोनट डिज़र्ट, मिक्स सब्ज़ी और पोटैटो कटलेट्स। इनका शो भी देखिएगा तड़का 2:30 बजे, हमारे शो के बाद जो लाइव शो होता है वो। और मैं आपको याद दिलाती चलूं कि अगले हफ्ते से, मार्च से, मेरा शो 3:30 से 4:30 होगा, तो प्लीज़ देखिएगा, उस वक्त भी इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा जैसे आप लोग आजकल देख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। और इन सबका शुक्रिया जिन्होंने फ़ोन किया, मैसेज किया, SMS किया, थैंक यू सो मच फॉर बींग पार्ट ऑफ आर शो एंड अ बिग थैंक यू टू आर स्पॉन्सर्स एज वेल। चलिए, आर शो इज़ डन, रेसिपीज़ आर रेडी, मुझे अब दीजिए इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।
मजीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।